पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। तीसरे दिन भी विपक्ष ने एक बार फिर सूबे के किसानों के मुद्दे पर कैप्टन सरकार को घेरा। पंजाब की अमरिंदर सरकार जल्द ही किसानों के कर्ज माफी पर बड़ा फैसला लेने जा रही है। पंजाब सरकार की ओर से किसानों की कर्ज माफी के लिए बनाई गई टीहक कमेटी ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द ही हक कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला लिया जाएगा। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के मुताबिक सोमवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह किसान कर्ज माफी, माइनिंग ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, केवल समेत सभी मुद्दों पर सदन में जवाब देंगे। कमेटी मेट अस लास्ट नाइट, असी काफ़ी देर तक साड़ी गल चलती रही है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव। ये जरा बोली जाते हैं कि कोई नहीं मान रहा तो वही अपन घर बैठी कहानियां ने, नथिंग इन इट। वी आर गोइंग टू डू वॉट वी हैव प्रोमिस्ड। थोड़े खदशे है या थोड़े सवालात है, इन्हों के मुकम्मल जवाब जड़े है, भावें वह माइनिंग से है, भावें ट्रांसपोर्ट से है, भावें केबल से है, या होर भी जड़े थोड़े है, वो कल सीएम साहब के गवर्नर एड्रेस पे तमाम मंडे सॉरी जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो तमाम इस सीएम साहब ने तफसीलन जवाब देना। सरकार भले ही किसान कर्ज माफी पर जल्द फैसला लेने का भरोसा दे रही हो, लेकिन विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है और सरकार की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। इस हद तक किसानों लिए कंसर्न ने कि ना सिर्फ कर्जा माफ करांगे, लेकिन ये भी ऐसी स्टेप चुक रहे हैं कि कर्जा चढ़े ही ना। टेक अवे द कॉज एंड द इफेक्ट विल सीज। जदों तुसी किसान नू कर्जा देने वाले उन्हां कोल लसंस ही नहीं, वो कर्जा देंदे है पैसों च कैश च, फिर किदां अंगूठे लगाउंदे है, किहड़ी उहदी कंपाउंडिंग हुंदी है, ये कुछ नहीं पता लगता। असीं इत्थे तक जा रहे हैं भी जदों कर्जा दिता जाए तो अकाउंट दे विच जावे, चैक कराई जावे। रोज़ किसान मर रहे हैं जी, रोज़। तो ये सरकार दे कंधे जूं तक नहीं सरकणी। इस करके जो असी बाहर आके असैम्बली लाई, उस असैम्बली असी यह मता पास किया कि मुख्यमंत्री तो उन्होंने नाल दे मंत्री उन्हें किसानों के घर जान जिन्होंने खुदकशियां की, जाके उन्हों का दुख साझा करके आन, नाले उन्होंने जो बनता मुआवजा दे के आन, नाले अगे तो कोई होर यह जहाँ काम ना करे वो वास्ते भी ठोस कदम उठा। तो इन्हों को इशू डिमांडिंग है कि ये कर्जे वाला इशू नहीं है, कर्जे माफी वाला इशू नहीं है, लोगों ने वादा नहीं किया। थां थां जाकर इन्होंने अपने फार्म भराए ने, मजदूरों ने भी फार्म भराए ने, उस मौके का चुप करके सरकार लैण की खातर झूठ बोल गए, हम पिछे क्यों हटते हैं, यह साड़ा जारी रहूगा। कैप्टन सरकार का वादा है कि वो बजट सत्र में किसानों के कर्ज माफी पर बड़ा फैसला लेगी और अब टी हक कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को जब सत्र शुरू होगा तो सरकार किसानों के कर्ज माफी पर बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। जगतार भुलर और पुरी परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।